हेलो माय सुपर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हम शुरू करने वाले हैं अपने गेम की नई नई सीरीज। अनेक तरह के पीसी अर्थात कंप्यूटर के गेम्स अपलोड होने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल कैवियट गेमिंग पर। और हम अपने इस फर्स्ट गेमिंग पीसी को अनबॉक्स करने जा रहे हैं, और आप अब लोग अपना कमेंट जरूर बताइएगा कि यह अनबॉक्सिंग और यह गेमिंग पीसी आपको कैसा लगा। इसमें कुछ खास डिटेल आपको जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन बस इतना आपके लिए ज़रूरी है कि यह एनवीडिया का GeForce GT 1030 है, जो कि TI वर्जन नहीं है, टाइटेनियम वर्जन नहीं है, लेकिन है नॉर्मल गेमिंग के लिए अच्छा है। इसमें कुछ है नहीं, हमने इसके सारी चीज़ों को लगा दिया है, अपनी पीसी में बिल्ट कर दिया है। इसमें कुछ है नहीं, सब खाली डब्बा है। इसके सारे से पैकेज वगैरह है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये ग्राफिक कार्ड्स में लगा है। अल्ट्रा ड्यूरेबल H510 10 तथा 11 जनरेशन के प्रोसेसर भी ही इस मदरबोर्ड पे यूज होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। इसमें स्पेसिफिकेशन है, देख लीजिए लिखा हुआ है क्या है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके देख सकेंगे अच्छे से। फिलहाल अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें भी कुछ नहीं है, एक ही हमने पीसी बिल्ड कर लिया है। हमने इसमें रैम डबल स्टिक लगाई है, कौन सा है, किंगस्टन का 8 8 GB का रैम हमने यूज किया है। और इसमें क्या है, इसमें हार्ड ड्राइव था, 2 TB का 7200 RPM हार्ड ड्राइव जो लगवाई है, इसको तो हमने बता दिया है। फिर ये देख लीजिए WDW का M.2 NVMe, जिसकी रीड स्पीड 24400 मतलब 2400 MB/s की रीड स्पीड है। रीड और राइट की स्पीड इसकी अच्छी होती है, इसलिए हमने इसमें विंडोज इंस्टॉल कराया है। तो ये रहा आपका मॉनिटर, देख सकते हैं ये दिख रहा होगा आपको। फिलहाल इसको हमने एक बार ओपन करके देखा था, तो अपनी तरफ से इसमें टेप लगा दिया है। चलिए अब इसको देखते हैं। अमेजन इन हमने अमेजन से ऑर्डर किया था, जो कि लगभग 18,000 रुपये का ये हमें पड़ा है। हाँ, तो इसको हम अनबॉक्स करते हैं। 1 2 3 अब इसको ओपन करते हैं। वाओ, वैसे अमेजन की बॉक्स क्वालिटी अच्छी ही रहती है। इसको देखते हैं, आपको दिख रहा होगा एसर VG270 270 BFHD 27 इंच। ये है 0.5 मिली सेकेंड का क्या है, स्पीड है, रिस्पॉन्स टाइम है, Full HD। इसकी रिजोल्यूशन कितनी है, 1920x1080, मतलब क्या है इसकी रिजोल्यूशन है, मतलब कि 1920x1080, मतलब कि Full HD है। तो भाई Full HD में तो 1920 और 1080 तो आ ही जाएगा रिजोल्यूशन। उसके बाद क्या है, AMD फ्री रेंडर फ्री सेंक, ये क्या है हमें इससे अच्छे से जानकारी है नहीं, फिलहाल लेते हैं। इसमें IPS है। अब IPS क्या, आप लोग जो जानते हो अच्छे से पता ही होगा कि IPS टेक्नोलॉजी क्या होता है। मतलब यही है कि आप चाहे अगल बगल से, ऊपर नीचे से, साइड वाइड से, कहीं से भी कुछ चीज़ देखेंगे तो वह साफ दिखेगा, धुंधलापन बिल्कुल नहीं रहेगा। IPS में क्वालिटी यही होती है कि हर चीज़ें चाहे जिधर चाहे जिस एंगल से देखें साफ दिखती है। आगे क्या है इसमें दिख रहे हैं कि ओवर क्लॉक टू 165 Hz आप लोग रिफ्रेश रेट, आप समझ गए होंगे रिफ्रेश रेट क्या है। आज के लेटेस्ट क्वालिटी के, बेस्ट क्वालिटी के लैपटॉप भी 144 पे ही आ रहे हैं हर्ट्ज के स्पीड पे, लेकिन 165 Hz की स्पीड रिफ्रेश रेट है। ये मतलब कि ये गेमिंग के लिए, स्पीड के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और इसमें देखिए 0.5 मिली सेकेंड की इसकी क्या है, स्पीड है, मतलब कि आपको कोई झटके में कोई चीज़ दिख रही होगी, हमने पहले भी अभी मेंशन कर दिया है कि इसकी क्या क्वालिटी होती है, कि सब चीज़ें बीच की दिखेगी। HDR10 को सपोर्ट करने वाला ये मॉनिटर है। देखते हैं इसमें कौन कौन सी एक्सेसरीज, जैसा हमने फर्मी में पैक रहता है, ऐसी बात नहीं है, पॉलिथीन में पैक रहता है। हमने इसको ओपन करके पॉलिथीन फाड़ दिया था, तो ये सब इसी कर रहा है। ये आपको इसमें डिस्प्ले पोर्ट मिलता है, आप देखते हैं ये यूजर मैनुअल्स, जो कि कभी कोई
पढ़ता नहीं है, हम भी पढ़ते हैं। और ये है पावर बोर्ड, पावर बोर्ड थोड़ा सा बड़ा है। ये है इसकी पावर इनपुट करने के लिए, इसमें इस तरह के बोर्ड की का चयन करना पड़ेगा। देखिए इस तरह से सेट होगा, आपके अधिकतर किसी भी बोर्ड में पावर प्लग में नहीं मिल जाएगा आपको, ये 3.3 पिन का ही मिल जाता है, ये बड़ा वाला साइज का इसी में आएगा। आप समझ रहे होंगे इसके लिए थोड़ा सा बड़े बड़े बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। चलिए इस पावर को हम पावर केबल को हम साइड में रखते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा इसमें नंबरिंग है, इसके मॉडल नंबर्स हैं, ठीक है। और इसमें आप कितने पोर्ट और कितने बटन्स हैं अभी दिखा देते हैं हम आपको। चलिए नज़दीक लेके चलते हैं, देख रहे होंगे ये पावर इन करने के लिए दिख रही हो केबल, ठीक। बगल में देख रहे हैं HDMI पोर्ट, ये भी HDMI पोर्ट है, ये है डिस्प्ले पोर्ट। अब आपको थोड़ा सा अंतर और नज़दीक ले जाएंगे तो समझ में आ जाएगा क्या अंतर होता है इन दोनों में। देखिए HDMI पोर्ट में देखिए नीचे के दोनों कोने मुड़े हुए हैं, इसमें हैं दो पोर्ट, और ये जो डिस्प्ले पोर्ट होता है इसमें सिर्फ एक साइड का कोना मुड़ा हुआ है, इस तरह का नहीं मुड़ा हुआ है, बस यही डिफरेंसेस है। तो इसमें डिस्प्ले पोर्ट आता है इसमें, और इधर ऊपर भी देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है HDMI 1, HDMI 2 और सब 2.0 है, और डिस्प्ले पोर्ट। यहाँ पे है स्पीकर, ये क्या है स्पीकर, इसमें दो स्पीकर, ज़्यादा अच्छी आवाज़ तो नहीं आती है लेकिन स्पीकर है इसमें। इधर देख रहे हैं आप देखेंगे इसमें नेविगेशन की, मतलब इसे चारों तरफ घुमाइएगा, इसी से बीच बीच में दाबके ओके के ओके कर सकते हैं। ये इधर और सी बटन्स हैं जो कि यूज करते वक्त समझ में आते हैं क्या है, ये कोई लॉक का साइन है पता नहीं, इसकी यूज हम जानते नहीं है। ये पावर बटन है, जब आप इस डिस्प्ले इसको चालू करेंगे कभी तो इस पावर बटन को दबाएंगे, स्विच करेंगे, तभी जा कर के डिस्प्ले ऑन होगा। ये सब तो हमने दिखा दिया, इसमें पन्नी वगैरह लगी हुई है, एसर की इधर प्राइंटिंग है, इधर देख रहे एकदम थिन बेजल सा, एकदम थिन बेजल है, मतलब इसकी जो है किनारे हैं एकदम पतले हैं, एकदम पतले हैं, अपने सहारे खड़ा भी हो जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, एकदम थिन है। अब स्क्रीन ऑन करने पे शायद कुछ और छुटा रहेगा, लेकिन ये एकदम थिन। इधर एयर वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि गेमिंग पीस मॉनिटर है तो इसमें हवा का भी आना जाना बढ़ा रहे, इसलिए इसमें हवा भी पास करने के लिए इसमें होल बने हुए हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी को दर्शाते हैं। इस तरफ देखिए साफ दिख रहा होगा प्रीमियम गेमिंग चेसिस, गेमर्स ड्रीम, जेब्रोनिक्स ऑलवेज अहेड। डब्बे के अंदर डब्बा, ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई परेशानी हो। देखिए इसमें बड़े वाले तीन होल में हमारा मॉनिटर लगता था, लेकिन इसमें छोटे वाले में ही ये लग जाएगा, देख पा रहे होंगे आप, ये इसमें ही सेट हो गया, देख लीजिए। तो ये छोटे वाले के लिए है, तो मतलब ये छोटे में भी आ जाएगा, इसकी पावर कॉर्ड ठीक है, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है तो ख़राब भी नहीं है, मीडियम क्वालिटी है। इसमें हमने इनबिल्ट कराया है, आपको दिख रहा होगा जो कि ग्राफिक कार्ड है, इधर ये फैन है, और नीचे खाली है, सिर्फ वायर मैनेज नहीं हुआ अपने अच्छे से, फिलहाल हम मैनेज खुद कर सकते हैं। इसमें 550 वाट की क्या है पावर सप्लाई, आप लोग देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है 550 वाट पावर सप्लाई PSU, देख पा रहे होंगे आप अच्छे से। जेब्रोनिक्स का ये पूरा CPU केस है। अब इसकी बैक साइड में देख लेते हैं मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड में आपको देख रहा होगा क्या है, इसमें देखिए USB केबल्स दो हैं, यहाँ पे पुराने वर्ल्ड टाइप के माउस से लगाने के लिए कीबोर्ड लगाने के लिए HDMI है, RGB है, और यहाँ पे USB 3.0 का है, यहाँ पे USB 2.5 का है, यहाँ पे USB केबल, यहाँ पे LAN केबल के लिए, यहाँ पे आउट ऑडियो का है, स्पीकर का है, ये माइक का है, ये क्या है शायद शायद ये भी स्पीकर का ही है, 1 और 2 लिखा हुआ है ऐसा कुछ है। इधर देख रहे हैं यहाँ पे ग्राफिक कार्ड का HDMI और RGB पोर्ट है, यहाँ पे पावर
ऑन और ऑफ करने के लिए है, और यह यहाँ पे पावर केबल लगी है। चलिए अब हमने इसको देख लिया, बाकी इसकी चीज़ें भी, इसमें रैम कितनी लगी है, 2 स्टिक रैम लगी हुई है, आप देख सकते हैं डबल स्टिक फ्यूरी का ब्रांड का दिख रहा होगा, हाँ इधर से दिख रहा होगा। ये पावर पोर्ट है और यहाँ पे यूएसबी 2.5 का है पोर्ट, यहाँ पे माइक का है, यहाँ पे स्पीकर का है, यहाँ पे 2.5 है, 3.0 का है, यहाँ पे ये रीस्टार्ट का बटन है, ठीक है। ये मैग्नेटिक कवर है जिसमें चारों तरफ मैग्नेट की स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, इसको ऐसे रख देंगे चिपक लेता है। यहाँ पे आप फैन लगवा सकते हैं, जो कि 2 फैन लगेंगे जो कि ऊपर की तरफ एग्जॉस्ट करते हैं, तो वो बाद में लगवा लिया जाएगा, फिलहाल इतने में ही बजट टाइट हो गया। अब इसकी पूरी बिल्ड तो हम बताए हैं, इस ग्राफिक कार्ड की कीमत लगभग 9,500 रुपये है, मदरबोर्ड 6,500 रुपये का है इसका प्राइस, और इस कैबिनेट बॉक्स की कीमत आपको बताना चाहेंगे, इस कैबिनेट बॉक्स की कीमत 400 रुपीज़ है। पावर सप्लाई भी लगभग ऐसे ही है 3,000 रुपये की। इसमें 3 RGB फ्रंट की साइज में फैन है, देखिए आपको एक नीचे दिख रहा होगा जो कि पावर सप्लाई को ज़्यादातर हवा देता है, ये ऊपर दूसरा और ये तीसरा, एक पीछे बैक साइड में भी है, RGB फैन है, और ये मदरबोर्ड प्रोसेसर पर लगने वाला फैन है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, अब इसके हम इसमें 55,000 रुपीज़ इस पूरे पीसी को बिल्ड करने लगा है, 55,000 इसमें ऐसे लगाएंगे, ऐसे ही है साइड, हाँ इस तरह की, इस तरह से ऑन कर सीधा कर लेंगे, और इसे भी इसमें पेचकस भी लगा सकते हैं आप, लेकिन हाथ से भी टाइट हो जाता है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आती, बस इतना देखिए कि देखिए ये रहा हमारा स्टैंड तैयार हो गया, एकदम प्रीमियम गेमिंग लुक देगा। अब इसको हम इसमें सेट करते हैं, इसको और टाइट करके देख लेते हैं कोई इसमें कसर ना रह जाए। इसमें रबड़ के लगे हुए हैं 4 कोने पे, ताकि कहीं भी रहे तो बढ़िया चिपक जाए, और इसमें हम देख रहे हैं इसको इस तरह से लगाएंगे, की आवाज़ करके आ गया, ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं थी। यहाँ पे देखिए निकालना होगा, तो इसमें एक लगा हुआ है स्विच, इसको पेचकस या किसी नुकील चीज से दाब करके खींचेंगे तो ये निकल भी आता है, पावर केबल लग जाएगी। केबल लगाने से पहले हम इसको देख लीजिए, जिप्रोनिक्स का ही, हाँ जिप्रोनिक्स का ही एक कीबोर्ड और एक माउस भी ले लिया है, जो कि अब पूरे फुल सेटअप में हम दिखाएंगे। अब इसके लिए यहीं पर इसको ऐसे रखते हैं, अब पूरा फुल सेटअप होने के बाद ही आपको हम दिखाएंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, बस 1 मिनट में सारा सेटअप हम कर लेंगे, तब आपके सामने इस पूरी पीसी को दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा 27 इंच का मॉनिटर है जो कि एसर नेट्रो का है, और इधर हमारा CPU है जिसमें आके 3 RGB फैन लगे हुए हैं, और इसमें पीछे भी दिखा देते हैं आपको, आप इस मॉनिटर को देख सकते हैं कि इसमें देखिए बेजल्स बहुत कम है, इसकी बेजल्स बहुत कम है, और ये मॉनिटर गेमिंग मॉनिटर है, प्लस ये जो PC है ये CPU है जो जेब्रोनिक्स का है इंटेल। हाँ आपको हम बताना ही भूल गए थे कि हमने इसमें इंटेल कोर i5 का 10th जनरेशन का CPU लगाया हुआ है जो कि F सीरीज का है। इसमें देखिए गेमिंग मॉनिटर है, तो इसमें एयर वेंटिलेशन के लिए भी जगह दी गई है, हवा क्रॉस करने के लिए ताकि ये ठंडा रहे। इसमें देखते हैं हम HDMI केबल लगाए हुए हैं, और इसमें देखिए पीछे का एक RGB फैन आपको दिख रहा होगा, और इधर सब कुछ है, हमने
इसमें डिस्प्ले आउटपुट हमने दिया है HDMI केबल के थ्रू, जो कि HDMI केबल है तो इसमें आवाज़ और साउंड और सब कुछ जाता है। लेकिन आपको ये भी बता देते हैं कि ग्राफिक कार्ड से साउंड आउटपुट नहीं जाता है, इससे सिर्फ डिस्प्ले पिक्चर या वीडियोस ही आउटपुट जाते हैं। तो कभी आप लोग ये इसमें समझ लेना कि ग्राफिक कार्ड में लगा दिए HDMI तो मॉनिटर में आवाज़ जाएगी, ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं। इसके लिए अगर आपको लगाना होगा साउंड तो अलग से इसमें अलग से वायर लगाना होगा, केबल लगाना होगा, और वो उसके लिए बहुत झमेला है, बहुत लफड़ा है। आपको लेना होगा VGA टू HDMI कनेक्टर लेना होगा, प्लस उसमें आवाज़ को उस कनेक्टर में लगाना होगा, कन्वर्टर में लगाना होगा, तब जाके उस कन्वर्टर से HDMI आउटपुट ले करके वो लगाएंगे तब जाके आवाज़ जाएगी। वो भी इससे नहीं, आपको इससे VGA करोगे उसके बाद में इससे आवाज़ आउटपुट लोगे, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तब जा कर के शायद आवाज़ आपके मॉनिटर शायद क्या तब कन्फर्म है आवाज़ आएगी। लेकिन सोचो कि HDMI केबल के थ्रू ग्राफिक कार्ड में लगा दिए हैं तो उसमें आवाज़ जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ग्राफिक कार्ड सिर्फ डिस्प्ले आउटपुट देता है और कुछ नहीं। खैर, तो जानकारी सारा सबको पता होगी, फिर भी हमें जो जानकारी थी हमने बता दी क्योंकि हम खुद इसलिए परेशान थे। सारा सिस्टम सेटअप हो चुका है। उधर आप लोग देख रहे होंगे कि एक और PC दिख रहा होगा। हाँ, वो PC मेरा पुराना है जो कि इसके पहले वीडियो एडिटिंग वगैरह किया करता था। अब वीडियो एडिटिंग का मतलब है जैसे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के लिए, सारी चीज़ करने के लिए हम इस PC का प्रयोग करते थे, जिसमें आपको कुछ ऐप्स दिख सकते हैं, जैसे कि एक है वीड क्लिपर और एक है ओपन शॉट। ओपन शॉट और आवाज़ के लिए ऑडेसिटी का यूज करते हैं। आप लोगों को ओपन शॉट और वीड क्लिपर में अंतर क्या है? वीड क्लिपर थोड़ा सा लो क्वालिटी का है ज़रूर, लेकिन इसमें रेंडरिंग बहुत फास्ट हो जाती है। यूट्यूब के लिए कोई ज़्यादा खास क्वालिटी चाहिए नहीं, बस ये थोड़ा सा लो PC था इसलिए रेंडरिंग करने में, एक्सपोर्ट करने में वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इतना टाइम ले जाता था कि रात रात भर, कभी कभी एक एक दिन का, आधा आधा घंटे की वीडियोज़ एक एक दिन का टाइम रेंडर कर देती थी। इसलिए हमने वीड क्लिपर का यूज़ किया। इसमें क्या होता है, सब कुछ फास्ट हो जाता है। हमने अपने पुराने PC को भी दिखा दिया, अपने नए PC को भी दिखा दिए। अब हमारे समझ से बहुत कुछ है, इसमें आपको दिखा देते हैं। हमें देखिए, इसमें कई ठो ऐप्स दिख रहे हैं जो कि और तो सिस्टम ऐप्स है, NDDS का है, और ये कुछ फोल्डर्स हैं, ठीक है, व्हाट्सएप रखे हुए हैं और कोई फोल्डर्स हैं। इस पे ऊपर हमारे लायक देखा, आपको दिखा देते हैं। इसमें देखिए, हमने एपिक गेम्स पर भी रजिस्ट्रेशन किया है, स्टीम पे भी रजिस्ट्रेशन किया है। एपिक गेम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आया है। प्रॉब्लम यह है कि इससे कोई भी गेम परचेस करते समय हर मेथड, मतलब कि परचेस करने का मेथड, UPI और अदर हमारे कंट्री के लिए सभी तरह की सुविधाएं कम रहती हैं, पेमेंट मेथड कम रहता है। लेकिन स्टीम पे पेमेंट मेथड बहुत ढेर सारे रहते हैं जो कि पॉपुलर है, और इसमें सब चीज़ें सरल और सभी गेम्स इसको हर तरह के PC में सपोर्ट कर जाते हैं। लेकिन स्टीम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारा 60 GB डेटा बेकार चला गया था इसी चक्कर में, डाउनलोड किए बाद में वह इंस्टॉल ही नहीं हो रहा था, तो हमने उसे पक गए, एकदम उसको समाप्त कर दिया। पहले स्टीम और एपिक गेम्स को यूज़ किया, लेकिन बाद में पता चला कि स्टीम इंडिया में सक्सेस है, एपिक गेम्स है सक्सेस, लेकिन उतना नहीं है। और साथ ही साथ हमारा तो लक्ष्य था आर्क सर्वाइवल, एक ऐसा गेम है जिसमें जितने ही मोड्स डालोगे उतना ही गेम इजी होता चला जाता है और उतना ही अच्छा लगता है खेलने में, नहीं तो बोरिंग लगने लगता है। तो आर्क के लिए गेम परचेज करना ये स्टीम से ही सही था, क्योंकि इसमें मोड्स बहुत ढेर सारे थे, ढेर सारे मोड मिल जाते हैं, लेकिन एपिक गेम्स पे मोड सपोर्ट नहीं करते हैं। इसलिए हम भी, अगर आप लोग भी अगर कभी PC गेम्स खेलने चाहेंगे तो वो मोड्स वगैरह अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं कोई भी गेम्स, तो हम यही आपको सजेशन देंगे कि स्टीम पे ही अपनी ID बनाइएगा, परचेज़ कीजिएगा। कुछ गेम फ्री भी होते हैं, कुछ परचेज करने होते हैं, लेकिन स्टीम पे ज़्यादातर गेम परचेज ही करने होते हैं। हमने स्वयं अपना गेम 700 रुपये में परचेज किया है। तो ये हमारा ये आर्क सर्वाइवल भी आपको दिख रहा होगा,
इधर हमने थंबनेल वगैरह बनाने के लिए फोटोशॉप यूज करेंगे, और ये मिस्टर फोटो ऐसे ही सॉफ्टवेयर डाल दिए कोरल ड्रा वगैरह, तो कोरल ड्रा वगैरह पे भी बहुत कुछ बनाना पड़ता है थंबनेल वगैरह। और ये हमारी गेमिंग पीसी का लुक देख लीजिए। हाँ, आपको दिखा देते हैं, ये राउटर है, जियो का राउटर है, जो कि इसकी स्पीड ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम 2 से 3 MB/s की स्पीड मिल जाती है। और हमारा तो ये पीसी है, कोई ऑनलाइन को कुछ हमें ऑनलाइन खेलना तो है नहीं, एनवीडिया जियो फोर्स के थ्रू तो खेलना तो है नहीं, तो इसके लिए हमारा पीसी ही पर्याप्त है। तो इंटरनेट की स्लो स्पीड भी रहती है तब भी काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और हाँ, आपको दिखा दें कि ये हमारा जेब्रॉनिक्स का स्पीकर था, ऐसा ही जहाँ हमने पीसी बिल्ड कराया था वहाँ पे उसने इसे ही दे दिया फ्री में। तो कुछ है, इसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, 200-300 रुपये की चीज़ है, ठीक है। और हमारा इंटेल कोर i5 10th जनरेशन का ये CPU था, जो कि इसमें दिखा हुआ है, i5 10th 400F 2.9 GHz 12 MB कैश LGA 1200। बाकी तो आपको समझ में ही आ गया होगा, i5 10th में होता है 10th जनरेशन का है, F सीरीज में होता है। इसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड लगवाना पड़ेगा, बिना ग्राफिक कार्ड का डिस्प्ले आउटपुट नहीं आता है, ठीक है। अब आप सबको ये सब चीज़ें दिखा दिए हैं, यही बाकी था इंटेल कोर i5, इस CPU को हम दिखा नहीं पाए, तो बताए तो थे लेकिन दिखाए नहीं थे। और आपको अब देखते हैं और दिखाते हैं। हाँ, हमारे पास एक, हमने गया था तो सोचा था कोई कुछ आधार वगैरह का काम कर लेंगे, सारा काम तो आधार से पैसे निकालना, बैंक की CSC लेना, सब सोच रहे थे काम कर ले। इसके लिए हमने थोड़ा सा ये मंत्रा FM AMFS 100 को हमने बाय कर लिया था, इसकी कीमत लगभग 2499 मीन्स 2499 रुपये की है, ये मिल गई थी, और 2500 रुपये को मिला के मिल गया था मार्केट में, इसका मेन रेट है। फिलहाल कभी कहीं उसे 2700, कोई कोई इसे 3000 तक रुपये में दे देता है, और पता नहीं कितने में खरीद मिलता है। जेब्रॉनिक्स का हम आपको दिखा दे रहे हैं एक वाईफाई नेट शटर, ये हॉटस्पॉट क्या बोलते हैं, हाँ, वाईफाई USB मिनी अडैप्टर है, ये आपको देख रहे हैं, इधर दिख रहा है इस केबल के साइड में जेब्रॉनिक्स, यही है। ऊपर एग्जॉस्ट करने के लिए 2 फैन लगा दिए जा सकते हैं, और इसमें एक और फैन है जो नीचे है मदरबोर्ड पे है, हम दिखा नहीं पा रहे हैं आपको, मदरबोर्ड पे एक फैन है, नीचे एक और है जो कि ग्राफिक कार्ड पे एक फैन है। 3216 अर्थात 3216 का ये एको टैंक प्रिंटर है, ठीक है, नॉर्मल है, रिप्सन का ब्रांड सही भी माना जाता है, इस हिसाब से हमने ले लिया, थोड़ा नॉर्मली काम के लिए, उसे भी लोग से दुकान पे भी यूज करते हैं, बहुत धड़ल्ले से बहुत बढ़िया काम करता है। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी PC का सेटअप पूरी तरह से दिखा दिया, और ये पुरानी PC का सेटअप दिखा दिया, स्टूडियो हमारा लगभग, अभी तो बहुत चीज़ें बाकी है, लेकिन ये PC सेटअप हो गया है, अब धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, और आप ही की सभी वीडियोस अब इसी से मिक्सिंग करके देने वाले हैं हम आप सबको। देखिए इसमें क्या है, कहा गया है IPS, अर्थात साइड से भी देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे से देखोगे तब भी एकदम वैसे ही दिखेगा, ऊपर से देखोगे तब भी वैसे दिखेगा, मतलब इसमें कोई धुंधलापन, कोई ऐसा दिखेगा नहीं कि ये साइड से देखने सामने से देखने में डिफरेंस होता है। हमारा PC सेटअप हो चुका है, अब आप लोग ये बताइए कमेंट में कि हम आपको आर्क सर्वाइवल की मोबाइल गेम्स डाउनलोड आपको अपलोड करके दें सीरीज़ की कि PC की अपलोड करके दें, क्योंकि अगर आप मोबाइल का देखेंगे तो PC का शायद ज़्यादा अच्छा लग जाए, और जब PC का देखेंगे तो मोबाइल की सीरीज अच्छी ना लगे, तो आप लोग डिसाइड स्वयं में कर लीजिएगा, और जो भी होगा हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कौन से सीरीज देखना पसंद है, आपको मोबाइल की या फिर PC की। वैसे हमें तो बहुत अपनी ट्राई देकर लेनी चाहे तो हम
पीसी की ही ज़्यादा सजेस्ट करेंगे, लेकिन अभी इसमें कुछ कमी है जिसको हम अभी ठीक करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। फिर भी कोशिश करेंगे जल्द से पीसी की सीरीज़ आना शुरू हो जाए आपके लिए और मोबाइल की आती रहेगी। बस अब मोबाइल की गेम की सीरीज़ एक एक दो दो तीन उसी हिसाब से आती रहेगी। तो सबको धन्यवाद, आप सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा और हमारे गेम को देखिए, एंजॉय कीजिए और जो भी सजेशन हो हमें देते रहिएगा। धन्यवाद।